फ्रेंड्स, आप सबको जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और देखिए, मैं आपको ऐसी चीज़ दिखा सकती हूँ जो जैसे कि बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं और बूढ़े भी खा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चावल हमने जैसे कि हम ले आए थे, कंट्रोल के चावल थे, हम वो ले आए थे और उन्हें बीन कर, चाल कर, झटक फटक कर, धो कर उन्हें सुखा दिया था। सुखाने के बाद वो जैसे कि चूरा जैसा होता है ना, वैसे चावल हो जाने चाहिए। तो चावल रहते हैं, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बनाने के लिए, जैसे कि खिचड़ी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं ना, वैसे के वैसे उन्हें भी बना लीजिए। तो अब एक पानी से सूखे हुए मतलब चावल रख दीजिए डब्बे में भर कर, और एक पानी से धो लीजिए, दूसरे पानी डालकर उन्हें सोख करने के लिए रख दीजिए। और फिर उसे बघार कर हरी मिर्ची, जीरा, सौंफ, धनिया, राई, नमक, हल्दी ये सब डालकर उसे बघार दीजिए और सोख किए हुए चावल डाल दीजिए। और आपकी यकीन माने 10 मिनट में दलिया तैयार हो जाएगी। देखिए मानवी बता रही है, बता मानवी, ये दलिया है। कोई कह नहीं सकता कि ये चावल है, एकदम दलिया जैसे बनी है। तो बाय बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मानवी चाव से खा रही है, देखिए आज एक नंबर बनी थी फ्रेंड। देखिए, हमने कुकर भर कर बनाई थी, यहाँ तक ये निशान दिख रहा है, यहाँ तक इसे ना तो ढक्कन लगाया, कुछ नहीं, और 10 मिनट में इतनी मतलब खिचड़ी बनकर तैयार हो गई, मतलब दलिया। अब इसे दलिया बोलिए चाहिए खिचड़ी बोलिए। ठीक है, बाय बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और विनय के साथ कार्ड खेलना ना भूलिए।